What's up guys, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस न्यू एंड कमाल की वीडियो के अंदर। मॉडल मैनेजर सिमुलेटर एक बहुत ही ज्यादा मस्त गेम जो कि यार अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पर है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये भी एक पीसी गेम है और पीसी हमारे पास है नहीं, तो इसलिए आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग खेले जा रहे हैं मॉडल मैनेजर सिमुलेटर, वो भी अपने मोबाइल के अंदर। तो हाँ यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कल आने वाला है मेरा बोगो गेम का एपिसोड नंबर 5 जो कि बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। बाकी अभी हम चलते हैं डायरेक्ट अपने गेम के अंदर मॉडल पे, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, अभी फिलहाल हम आ चुके हैं अपने गेम के अंदर और ये रहा हमारा मॉडल। अगर आप लोग ये वाली वीडियो पहली बार देख रहे हो, उसका पहला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये गेम बिल्कुल सेम है मॉडल मैनेजर सिमुलेटर से। बाकी यार इस गेम के अंदर अभी एक नया अपडेट आया, उसके अंदर देखो ये जो सामने हमारा ऑफिस हुआ करता था ना जिसके अंदर सारी चीजें थी, बट अभी फिलहाल मॉडल ऑफिस अलग हो चुका है और जो सुपर मार्केट है वो अलग हो चुका है। बाकी ये जो हमारा सुपर मार्केट है आप देख सकते हो इसके अंदर अभी काम चल रहा है, इसके अंदर शेल्फ वगैरह सब आ चुकी है, ये भी बहुत जल्द हम ओपन कर लेंगे। बाकी तो यार मैं अभी आपको मॉडल ऑफिस चल के दिखाता हूं। ये देखो भाई हमारा मॉडल ऑफिस पूरा अंदर से चेंज हो चुका है, यहां पर सोफा मोफा आ चुके हैं मस्त, और राइट साइड में यहां पर सेम जैसे मॉडल मैनेजर सिमुलेटर के अंदर है ना वैसे ही आ चुका है। बाकी इस वाले न्यू अपडेट के अंदर ये जो हमारा गैस स्टेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। बट हां यहां पर देखो भैया जनरेटर आ चुका है यार मॉडल मैनेजर सिमुलेटर की तरह, इसका मतलब यार गेम डेवलपर्स कर तो रहे हैं इस गेम पर काम है। बाकी ये रहा वो रूम जो कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर रेनोवेट किया था, भाई ये काफी मस्त रेनोवेट हुआ है, फुल अल्ट्रा लग्जरी बनाया इस गेम के अंदर, जितनी सारी चीजें थी वो मैंने सारी लगा दी थी। तो हाँ यार जिसने भाई लास्ट एपिसोड नहीं देखा है आप लोग जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। बाकी ये देखो हमारे मॉडल के अंदर लिटरली बहुत सारे रूम है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही रेनोवेट किया अभी तक। बाकी ये देखो ये रहा हमारा गैस स्टेशन, पहले भी इस गेम के अंदर था बट वो कोई काम का नहीं था क्योंकि जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट अभी फिलहाल ये गेम के अंदर ऑन हो चुका है। तो यार चलो चलते हैं फटाफट से फ्यूल वगैरह ऑर्डर करते हैं, ये रहा फ्यूल डिलीवरी फटाफट से यहाँ से ऑर्डर करते हैं। बट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ $66 हैं अभी, तो हाँ अभी फिलहाल हमें थोड़ा कम ऑर्डर करना पड़ेगा। यहाँ से हम एक काम करते हैं $60 का फ्यूल ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि देखो हमें बाद में जरूरत नहीं पड़ने वाली, हमारा मॉडल ओपन हो जाएगा। बाकी हाँ मॉडल से ज्यादा है, हमारा मॉडल ओपन हो चुका है और यहाँ पर देखो भाई कस्टमर्स आना स्टार्ट भी हो चुके हैं और अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रूम है खाली, तो हाँ इसको दे देते हैं। बाकी तो देखो ये अपना मस्त जा चुका है अपने रूम के अंदर, अभी फिलहाल हमें गैस स्टेशन ओपन करना है, जिसके लिए सबसे पहले यार हमारा फ्यूल डिलीवरी तो आ जाए। ओ हाँ ये देखो भाई फ्यूल डिलीवरी हमारा आ चुका है टैंकर, अभी फिलहाल फ्यूल फिलिंग चली है हमारे टैंक के अंदर और भाई कंप्लीट भी हो चुकी है क्योंकि यार हमने इतना थोड़ा सा ही बनाया था यार फ्यूल, इसलिए यार बहुत जल्दी डल गया फ्यूल। बाकी तो चलो यार अभी फिलहाल हमारे पास फ्यूल भी आ चुका है, अभी फिलहाल हमें अपना गैस स्टेशन को ओपन करना है यहाँ से। बाकी तो यार इन भाई सबको मुझे मना ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास एक रूम के अलावा कोई और रूम है ही नहीं और यहाँ पर भाई कस्टमर पर कस्टमर आते जा रहे हैं। बाकी तो यार अभी फटाफट से हम अपने गैस स्टेशन को ओपन कर देते हैं क्योंकि यार अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ $5 बचे, भाई कुछ तो पैसा आना स्टार्ट हो। हाँ यार अभी हमारी एक्स्ट्रा कमाई होना स्टार्ट हो जाएगी, बाकी तो अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ एक रूम पर ही गुजारा कर रहे थे, उससे ही पैसे आते थे थोड़े बहुत। बाकी तो यार एक बार देख लेते हैं बंदा है या फिर चला गया, है भाई है अंदर है, मैंने यार इसलिए देखा क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास कस्टमर्स आते ही जा रहे हैं यार, यहाँ पर देखो भाई कस्टमर्स की लाइन लग चुकी है बट हमारे पास रूम सिर्फ और सिर्फ एक है, तो हाँ यार इन सबसे मना ही करना पड़ेगा हमें। हाँ जी मैडम जी सॉरी नो रूम अवेलेबल। बाकी तो यार देखो यहाँ पर हमारे पास अभी कार्स आना भी स्टार्ट हो चुकी है फ्यूलिंग के लिए, ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास पैसे की कमी नहीं होने वाली है, हमारा फ्यूल स्टेशन चलता रहेगा। अभी फिलहाल मैंने नोजल को इसके अंदर लगाना है और यहाँ पर से मशीन को स्टार्ट कर देना, यहाँ पर देखो फ्यूलिंग होने स्टार्ट हो चुके और इस बंदे को हमें देना है 16 लीटर पेट्रोल और अभी यहाँ पर दिखा भी रहा है कि हमने कितना डिलीवर कर चुके हैं। बाकी तो यार यहाँ पर देखो फ्यूलिंग होने में टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, अभी तक भाई 16 लीटर पेट्रोल ही नहीं डल पाया, भाई सोचो यार अब जाके डला भाई 16 लीटर पेट्रोल जिसके हमें $22 मिले हैं। बाकी पता नहीं यार उस बंदे ने या तो ज्यादा पेट्रोल डलाया या फिर इतना ही टाइम लगने वाला है हर व्हीकल के अंदर, अभी पता चल जाएगा। ये एक और जीप आई है भाई, इसको भी 16 लीटर पेट्रोल चाहिए, फिर तो यार उतना ही टाइम लगने वाला है। जब तक तो यार मैं एक चक्कर मार के आता हूँ हमारे मॉडल ऑफिस का, वहीं यहाँ पर भाई बहुत सारे कस्टमर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर देखो भाई लाइन लग चुकी है लिटरली। यार एक तो इनको ना बोलने में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार, हमारे पास रूम इतने सारे पड़े हैं लेकिन भाई वो रहने लायक नहीं, इसलिए हम उनको रेंट पर नहीं चढ़ा सकते यार। बाकी तो यार ये जो दीदी खड़ी थी आगे लाइन में, इनको मैंने रूम दे दिया क्योंकि जो पहले वाला बंदा था वो जा चुका है और देखो हमारे पास पैसे भी आ चुके हैं। एक सेकंड यार अभी ध्यान आया, हमने अपनी जीप के अंदर पेट्रोल भरने लगाया था और यहाँ पर देखो ज्यादा नहीं हुआ यार, ज्यादा नहीं हुआ, हम टाइम से पहले आ गए यहाँ पर। डन यार अभी फिलहाल जीप के अंदर भी फ्यूल अप हो चुका है। बाकी मेरे को यहाँ पर एक चीज देखनी है कि या तो ये लोग ज्यादा पेट्रोल डला रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। बाकी यार यहाँ पर एक नजर डालो, यहाँ पर भाई कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है, भाई हम लोग क्या ही करें क्योंकि हमारे पास रूम सिर्फ और सिर्फ एक है और यहाँ पर कस्टमर इतने सारे, और अगर रेयर रूम रेनोवेट करने जाते हैं तो हमारा भाई गैस स्टेशन बंद करना पड़ेगा हमें कुछ टाइम के लिए। फिलहाल इन सब लोगों से मना कर देते हैं, बेमतलब इतनी ज्यादा देर यहाँ पर वेट कर रहे हैं ये लोग, रूम सिर्फ एक को ही मिलेगा और वो भी कुछ टाइम बाद मिलेगा क्योंकि अभी हमने एक को रूम अलॉट किया है। बाकी तो चलते फटाफट से गैस स्टेशन पे, ये रेड वाली कार बहुत टाइम से वेट करी और इसका वेटिंग टाइम भी खत्म होने वाला है लगभग, फटाफट से इसके अंदर फ्यूल
डालते हैं और यहाँ पर आप मशीन के अंदर देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी 27 लीटर पेट्रोल ही बचा हुआ है, जिसमें से 11 पॉइंट कुछ लीटर तो यही ले जाएगी। बाकी तो यार इसकी फ्यूलिंग स्पीड बहुत ज्यादा ही कम है यार, बहुत ज्यादा ही टाइम लग रहा है इसको फ्यूल डालने में। जब तक तो यार मैं एक राउंड मार के आ जाता हूँ हमारे मॉडल का। यहाँ पर बंदा है या फिर चला गया? यहाँ पर है यार अभी भी नहीं, होता चला गया होता तो हम किसी दूसरे बंदे को अलर्ट कर देते। बाकी यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर बचा, बिल्कुल ही सही टाइम पर आ गए हम। अगर थोड़ा बहुत भी लेट हो जाते यहाँ पर फ्यूल ज्यादा डल जाता उसकी गाड़ी में। वैसे यहाँ पर 11 लीटर पेट्रोल के हमें मिले $15, ठीक है यार, वैसे कमाई तो सही हो रही है। बाकी देखो अभी फिलहाल हमारे पास $30 और आ चुके हैं, जो कि अभी फिलहाल हमने जो रूम रेंट पर लगाया था ना उससे। और जब तक इसके अंदर फ्यूल डल रहा है, जब तक हम एक काम करते हैं, अपने रूम को फटाफट से दोबारा रेंट पर लगा जाते हैं भाई। यहाँ पर जितना टाइम हम सेव कर सकते हैं उतना टाइम सेव कर देंगे। बाकी यार हमारे पास अभी फ्यूल भी बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है, देखो 13 पॉइंट कुछ लीटर बचा हुआ है, तो हाँ फ्यूल भी हम लगे हाथ मंगा लेते हैं। चल यार अभी फिलहाल फ्यूल भी ऑर्डर हो चुका है और यहाँ पर भाई इन भाई सबको फटाफट से रूम भी अलॉट कर देते हैं। बाकी तो यार मुझे अभी जस्ट याद आया हमने वहां पर फ्यूलिंग के लिए लगाया हुआ था, यहाँ पर चल के देखते हैं। ये देखो भाई हो गया यहाँ पर हमारे साथ स्कैम। यहाँ पर इसको 11 लीटर हमें पेट्रोल देना था, यहाँ पर हमने ज्यादा दे दिया यार, पूरे के पूरे भाई $5 का यहाँ पर नुकसान हो चुका है। तो अब से यार हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो ऐसा नुकसान हमारे साथ अक्सर होता रहेगा। यहाँ पर देखो पुलिस की कार भी आई है, बट हमारे पास फ्यूल ही नहीं है इसको देने को यार। ओ वेट, हमारे पास फ्यूल आ चुका है भाई, वो टैंकर आ भी चुका और डाल भी जाके जा चुका। बाकी तो यार यहाँ पर देखो भाई कितनी ज्यादा बड़ी लाइन लग चुकी है, और कहाँ तक यार हम एक ही रूम को रेंट पर चढ़ाकर मॉडल चलाते रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक और रूम को रेडी कर देते हैं, यहाँ पर उसको सामान वामान मंगा लेते हैं। कम से कम यार हम दूसरे रूम के लिए सामान वगैरह तो ऑर्डर कर ही देते हैं, बाकी हम उसको रेनोवेट करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने एक डबल बेड मंगा लिया, सिंक मंगा लिया, सोफा भी कर देते हैं, सोफा दो चाहिए। और यहाँ पर एक टेबल रख लेते हैं टीवी वगैरह रखने के लिए, मैंने टॉयलेट भी मंगा लिया यहाँ पर। ओके, तो अभी फिलहाल जितनी भी चीज थी सारी मैंने ऑर्डर कर दी। एक सेकंड भाई, मेरे को अभी जस्ट याद आया मैंने वहां पर पुलिस वाली कार के अंदर फ्यूल अप होने के लिए लगाया था, लेकिन यहाँ पर भाई देखो पूरे के पूरे भाई $2-3 का यहाँ पर नुकसान हमें हो चुका है भाई। यार ये चीज गलत है भाई, मशीन के अंदर ये ऑलरेडी सेट होना चाहिए कि जितना पेट्रोल डल जाए उसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, बट नहीं, ये मशीन भाई फुल्ली मैनुअल है भाई, हमें ही सारी चीजें करनी होंगी। बाकी देखो यार यहाँ पर लेफ्ट साइड में सुपर मार्केट के आगे हमारा सामान कुछ तो आ चुका है, कुछ आना रह गया है। बाकी हमें ना कुछ सारी चीजें ऑर्डर नहीं करी थी, क्योंकि मेरे को याद आ गया था कि हमने पुलिस वाली कार के अंदर फ्यूल अप होने के लिए लगाया, यहाँ पर और भी सामान है, तो फटाफट से उसको भी ऑर्डर कर देते हैं। यहाँ पर यार दो पीलो रह रहे थे, एक ये बेडशीट मंगानी है, बाकी तो ये वॉल पेंट वगैरह मंगा लेते हैं फटाफट से। डन गाइस, सारा का सारा सामान मैंने ऑर्डर कर दिया, और भाई मैं देखो दोबारा भूल चुका हूँ, यहाँ पर दोबारा मेरा नुकसान हो चुका है यार। बाकी तो यार अभी फिलहाल के लिए मुझे ये गैस स्टेशन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम दो दो काम साथ में नहीं कर पा रहे हैं यार। बाकी देखो यार यहाँ पर रूम्स के लिए भाई कितनी ज्यादा डिमांड है यार, लाइन पर लाइन लग रही है। बाकी यार अभी फिलहाल के लिए मैंने अपने गैस स्टेशन को ऑफ कर दिया, क्योंकि अभी फिलहाल हमें दूसरा रूम रेडी करना है, क्योंकि यार हमारे पास भाई मॉडल के बहुत ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं और यहाँ पर से भाई प्रॉफिट भी हमें बहुत ज्यादा होता है। फिलहाल ये डोर पर जितने भी प्लैंक्स लगे हुए हैं सबको फटाफट से हटाते हैं। भाई ये तो पहले वाले रूम से भी ज्यादा गंदा हो रखा है। हमने यार पहले वाला रूम जब रेनोवेट किया था भाई, वो इतना गंदा सही में नहीं था जितना कि ये वाला हो रखा है। बाकी यहाँ ये हमारा काम है, तो फटाफट से काम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे कस्टमर से भाई उनको लौट कर जाना पड़ रहा है। भाई यहाँ पर फटाफट से जितना भी ट्रैश डला हुआ है सबको अपने डस्टबिन के अंदर डालते हैं, उसके बाद यहाँ पर भाई टाइल्स पे जितनी भी डर्ट लगी हुई है सबको हमें साफ भी करनी होगी यार। ओके, तो यार अभी फिलहाल रूम के अंदर जितना भी ट्रैश पड़ा हुआ था वो सारा का सारा मैंने अपने डस्टबिन के अंदर डाल दिया था। बाकी यहाँ पर अब जितनी भी साफ सफाई वाला फटाफट से उसको कर लेते हैं। वैसे यार ये ज्यादा साफ सफाई में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें इसके ऊपर एक नई टाइल्स लगानी है। साफ सफाई का काम तो हो चुका था कंप्लीट, बाकी यहाँ पे फिलहाल हमने वॉल के लिए भी यहाँ पर पेंट ऑर्डर किया था, तो फटाफट से वॉल निपटाते हैं, फिर उसके बाद हम टाइल्स लगाएंगे, फिर उसके बाद हम सीलिंग करेंगे। बाकी अभी फटाफट से हम अपनी वॉल को पेंट करना स्टार्ट करते हैं। बाकी ये जो अपडेट आया है इसके अंदर एक नया फीचर आ चुका है, पहले हम यार क्या करते थे बहुत टाइम लगता था पेंट करने के अंदर वॉल को, बट अभी ये बहुत जल्दी जल्दी होने लग गया है, क्योंकि यार मॉडल मैनेजर सिम्युलेटर के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक करके बहुत टाइम नहीं लगता, वहां पे भी जल्दी हो जाता है, और यहाँ पर भी भाई ये गेम डेवलपर्स ने नया फीचर ला दिया है। बाकी तो अभी फिलहाल हमारे रूम की सारी वॉल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, यहाँ पर बाथरूम के अंदर भी फटाफट से काम को कंप्लीट करते हैं। ये लो भाई बाथरूम के अंदर भी फुल वॉल पेंट हो चुका है, रूम के अंदर भी डन हो गया। अभी फिलहाल हमें लगानी होंगी इसके अंदर टाइल्स है, और टाइल्स यार हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखी है, तो फटाफट से उनको लेके आते हैं। ओके, तो ये वाली टाइल्स हमने मंगाई थी, फटाफट से इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई इसकी वर्किंग स्पीड कितनी ज्यादा तेज हो चुकी है, पहले यार हमें एक एक टाइल्स करके बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, बट हाँ अभी फिलहाल इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, सेम मॉडल मैनेजर सिम्युलेटर के। बाकी तो अभी फिलहाल हमारा टाइल्स वाला काम भी हो चुका है, अभी बस रेडी हमारी सीलिंग, और वो हो जाएगी फिर हमारा रूम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें बस सामान लगाना रह जाएगा। ये रहा यार सीलिंग वाला वर्क्स, फटाफट से इसको ले चलते हैं। बाकी यार ये वाला जो सीलिंग का पेंट है भाई ये काफी ज्यादा मस्त है। बाकी हमने पहले जो लास्ट रूम रेनोवेट किया था वो बिल्कुल ही अलग था, और ये वाला बिल्कुल ही हमने अलग किया है। डन गाइस, अभी फिलहाल सीलिंग का काम भी फुल कंप्लीट हो चुका है, और भाई अभी फिलहाल हमारे रूम के अंदर सारी चीजें हो चुकी है, बट अब हमें सामान लाके लगाना है बस। बाकी तो यार किसी किसी जगह पर मैंने ये दूसरा पेंट कर दिया था, तो हाँ
हाँ इसको भी फटाफट से कर देते हैं जितनी भी जगह रह रहा है। बाकी चार हमारा जो फर्स्ट रूम है उसमें से बंदा चेकआउट करके जा चुका है, तो हाँ फटाफट से फर्स्ट रूम को अलॉट कर देते हैं इस बंदे को। हाँ जी भाई सब तुम्हें रूम मिल जाएगा, मजे करो भाई। बाकी तो देखो यार ये सारा सामान है जो कि हमें रूम के अंदर फिट करना है, सबसे पहले बेड है, तो हाँ सब चीजें लगा लेते हैं फिर मैं आपसे मिलता हूं। ओके गाइस फाइनली मैंने अपने सेकंड रूम के अंदर सारा का सारा सामान लगा दिया है और हमारा सेकंड रूम अभी रेडी हो चुका है, तो मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ भाई। ये देखो ये है हमारा सेकंड रूम मॉडल का, जो कि भाई कुछ बहुत ही ज्यादा बेकार हुआ करता था, और ये अभी देखो भाई बिल्कुल एकदम 5 स्टार हो चुका है भाई। इस गेम के अंदर जितनी भी सारी चीजें थी लगाने को रूम के अंदर, वो सारी की सारी मैंने इसके अंदर लगा दी। टॉयलेट वॉयलेट भाई सिंक विंक सब चीजें कम्प्लीट है, तो हाँ फटाफट से अभी चलते हैं हम इसको भी रेंट पर लगाने के लिए। बाकी देखो यार यहाँ पर हमारे मॉडल की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं भाई साहब। ये देख रहे यहाँ पर जितनी कार्स निकली थी भाई बाहर, उतने उससे ज्यादा तो यहाँ पर बंदे खड़े हैं भाई। फिलहाल हमारे पास भाई यहाँ पर 2 रूम्स हैं और मैंने यहाँ पर पहला वाला रूम तो दे दिया है इन मैडम को, भाई सेकंड रूम मिलने वाला भाई। ये लो भाई अभी फाइनली हमारा सेकंड रूम भी रेंट पर लग चुका है। अब जैसे यार ये रेंट पर लगा, हम ओनर हो चाहे कोई हो भाई, अब हम इसके अंदर नहीं जा सकते, अभी फिलहाल ये किसी और की प्रॉपर्टी हो चुकी है। बाकी तो यार अभी फिलहाल ये दूसरा रूम ही कम्प्लीट हुआ है, अभी यहाँ पर बहुत सारे रूम्स है और तो और सुपर मार्केट भी ओपन होने वाला है। तो हाँ यार आप लोगों की इस गेम को लेकर जितनी भी सजेशन है इस गेम के अंदर ये चीजें होनी चाहिए वो सब मेरे कॉमेंट्स में बता देना, मेरी गेम डेवलपर से एक बार तो बात हुई है, तो हाँ मैं वो सब चीजें मैं उन तक पहुंचा दूंगा। बाकी तो यार अभी यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यार यहाँ पर गैस स्टेशन पर अगर हम खड़े हो जाए तो फिर और काम हम नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ सुपर मार्केट भी ओपन होने वाला है, तो हाँ गेम के अंदर अभी और भी ज्यादा मजा आने वाला है। बाकी यार आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई थी और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर भाई और भी काफी सारे रूम्स बचे हुए हैं, तो हाँ यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।